हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है जो आप देख रहे हो रोज फ्लावर प्लांट, तो आज इसी पर है। तो ये अब विंटर आने वाला है और ये बरसात भी चली गई लगभग। हालांकि हमारे ऋषिकेश में तो थोड़ा थोड़ा अभी भी होती रहती है, कल भी हुई है बारिश। तो फिर भी लेकिन हमें ये गुलाब पर ज़रूरी काम करने, छोटे मोटे वर्क ज़रूरी करने। तो वो ये है कि हमें अगर विंटर में तो देखो फूल काफ़ी सारे आते हैं ये गुलाब पे, तो हमें इस पर फूल लेने के लिए हमें क्या क्या करना है गुलाब पे, वो छोटे मोटे में वर्क आपको बताने वाली हूँ इसमें। और वो इतने ज़रूरी हैं, इतने मोस्टली हैं, अगर हम करते हैं वो वाले वर्क तो वो हमारे प्लांट पर, गुलाब पर फूल इतने सारे आएंगे, ढेर सारे आएंगे। अगर आपको ढेर सारे फूल चाहिए तो बिल्कुल मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और मैं वो सब कुछ बताने वाली हूँ इसमें वीडियो में, जिससे गुलाब के फूल काफ़ी सारे आते हैं। तो आइए करते हैं वो काम। समय मैंने कौन कौन सा कंपोस्ट दिया, कौन सा फर्टिलाइजर है, लिक्विड दिया है या कौन सा दिया है, वो मैं सारा आपको दिखाने वाली हूँ इसमें। और इस वीडियो में आपको वो भी दिखाने वाली हूँ जो मैंने गुलाब पर काम किया था इस पर, उसका अपडेट भी मैं इसमें देने वाली हूँ। चार पाँच दिन पहले मैंने जो काम किया था और उसका रिजल्ट कितना बढ़िया है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और हम सबसे पहले अपने प्लांट के, जो गुलाब का प्लांट है, तो उसके गमले की मिट्टी चेक करेंगे। अगर सूखी है तो हम इसकी गुड़ाई कर देंगे, पानी नहीं देंगे। सुबह सुबह क्या करेंगे, गुड़ाई कर देंगे। और ये देखिए बेल्डन सोयल है, तो ये एकदम हो जाएगी मेरी। ये छोटा सा ही है मेरा, इसी में आपको मैं दिखा देती हूँ। कई सारे गमलों में मैंने ये काम कर लिया। सबसे पहले एक एक दो दो इंच गहराई में तो गुड़ाई कर लें इसकी, और फिर इसे एक दो घंटा खुला छोड़ दें, ठीक है। तो जिससे इसके जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाए और जो भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह है तो वो इससे निकल जाए या वो भी धूप से ख़त्म हो जाएगा, छोटा मोटा जो भी हो। और ये जितना भी खरपतवार है तो ये निकाल दीजिए, जो ज़रूरत नहीं है हमें। और ये कूड़ा कबाड़ सब निकाल दीजिए। और जितने भी आलतू फालतू पेड़ खड़े हैं, तो ये तो मेरा मैक्सिकम पिटोनिया का, इसलिए नहीं निकाल रही, तो बाकी निकाल दीजिए। और दूसरा काम हम इस वे जो इस समय ज़रूरी होता, मस्ट होता है, तो देखिए एक शार्प कैंची या कटर कोई भी शार्प लीजिए और वो फंगी साइड में आप उसको साफ कर लीजिए। तो मैं तो इससे कट करती रहती हूँ कैंची से, तो ये मेरा पतली पतली ब्रांचेज है, तो मैं इसी से कैंची से आराम से कर लेती हूँ। तो ये देखिए जैसे आलतू फालतू है तो इन पे तो बिल्कुल भी फूल नहीं आएगा। इस तरह की जो पत्तियाँ ये ब्रांच होती हैं, इसमें आगे जो है ये बढ़ती भी नहीं है। और इस तरह के तो हम बिल्कुल इसको तो बिल्कुल निकाल देंगे, और यहाँ से इसको निकाल देंगे, और यहाँ से इसकी मैंने कटिंग कर रखी। इसकी सॉफ्ट, अगर हमारा छोटा प्लांट है तो उसकी सॉफ्ट कटिंग करें, अगर बड़ा है तो उसकी काफ़ी सारी उसकी कटिंग करें, ताकि जितना हम कटिंग करेंगे प्लांट की उतना ही इसमें ब्रांचेज काफ़ी सारी आ जाती है। तो ये देखिए मैं तो अब इसकी लगभग यहाँ से कर ही देती हूँ, यहाँ से करती हूँ इसकी। तो ऐसे मैंने कर रखी थी इसकी, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा कर देती हूँ, तो इसमें काफ़ी सारी ये ब्रांचेज बन जाएंगी। ये देखिए यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँ थोड़ा मेरे, ये देखो ये इस तरह से मैंने कर दी है। और ये पत्ती तो अपने आप ही निकल जाती है सूखी, आजकल क्या होता है ये पत्ती उत्ती सब निकल जाएंगी। तो अगर ये सूखती रहेंगी निकल जाएंगी, आजकल ये सारी निकल जाएंगी जो बची भी है। इस तरह से मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। और देखो मैंने जो अभी एक सप्ताह पहले की थी उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। एक सप्ताह भी नहीं, अभी चार पाँच दिन हो गए होंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी गुड़ाई उड़ाई करके और इसको अभी ऐसे ही किया था जैसे मैं इसमें बता रही हूँ। तो इसमें देखो नए नए सूट्स इसमें काफ़ी सारे बन गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ, ये यहाँ से। और ये इतनी सारी ब्रांचेज हो जाएंगी ना, इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज हो जाएंगी, और जब ब्रांचेज ज़्यादा होंगी तो फूल तो आएंगे ही आएंगे ज़्यादा। ये देखो तो इसमें सभी में, इसमें ये मैंने देखो इसको बिल्कुल इस तरह इसको मुंडा कर दिया था, मुंडा वाला बिल्कुल जैसे बाल काट के गंजा कर देते, मैंने इसको इसी तरह किया था। ये देखो तो, और इस पर अब इस पर फर्टिलाइजर कौन सा करना है, तो इसके फर्टिलाइजर आपके पास कोई भी कंपोज हो, ऑर्गेनिक कोई भी कंपोज हो, इसको दो दो इंच मिट्टी हटा दीजिए इसकी और वहाँ इसमें डाल दीजिए।
दो मुट्ठी वर्मी कम्पोज या कोई भी कम्पोज जो भी है आपके पास ऑर्गेनिक, और दो मुट्ठी नीम खली डाल दीजिए। और वो गमले के हिसाब से, छोटा है तो इतना बहुत होगा 6 इंच के गमले में, तो बड़ा है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए गमले के हिसाब से तो बहुत होगा। और बाकी तो आप अगर दूसरा डालते हैं तो डाल सकते हैं केमिकल वाला, मैं तो नहीं यूज करती हूँ, तो मैं जो मैं डालती हूँ वही मैं बता रही हूँ। और अगर आपके पास लिक्विड में बनाना पील है तो उसको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक टोनिक का काम करता है बनाना पील। मैं तो हर समय बना के रखती हूँ, मेरे पास बने हुए तैयार रहते हैं। और इस समय इसमें जो है कमी आ जाती है कैल्शियम है पाउडर, तो कैल्शियम पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी भी आ जाती है, क्योंकि बरसात में काफ़ी सारे इसमें मिनरल्स मिलते हैं, मगर फिर भी काफ़ी सारे हम जो देते हैं वो निकल जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय बरसात तो चली गई लगभग, तो एक गमले में हमें जो 6-7 इंच का होता है तो 2 या 3 ढक्कन इसमें से ले लीजिए ये बनाना पील, और उसको पानी में मिला के इसमें डाल दीजिए, बस इतना बहुत होता है। इसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है, तो इसमें जो भी पोटेशियम की कमी आती है और वो उसको ये पूर्ति कर देता है। और इसमें एक काम ये भी करना है, जितनी भी ये डेड हैं, ये सूखी हुई ब्रांचेज हैं, उनको सबको निकाल दीजिए, काली वाली जो हो जाती है, तो ये देखो इस तरह मैंने सभी की इनकी निकाल दी है, ये लगभग मैंने सारी ही निकाल दी है इनकी, यहाँ से ये डेड थी, काफ़ी सारी यहाँ से भी थी, तो ये बड़ी सी थी तो इसको भी मैंने निकाल दिया है, ये थोड़ा सा बचा है, तो ये बाकी ये जो डेड होता है ये काली काली लकड़ी सूख जाती है, इसको बिल्कुल निकाल दे, नहीं तो ये आगे तक ये फैलती चली जाती है, नीचे तक आ जाता है ये इसका असर। तो और जब ये एक काम और ज़रूर करना, ताकि इसमें हमारे जहाँ से हमने कटिंग की है तो ये कटिंग आप तिरछी सी करें, ये देखो जैसे ये तिरछी होती है ना, इस तरह से करें। और दूसरा काम ये करना है, हमने जहाँ से कटिंग की है तो उस पर कोई भी आपके पास फंगीसाइड है वो लगा लीजिए, अगर नहीं है तो हमारे किचन में जो हल्दी होती है तो वो भी भाई घर की पिसी हुई है, अगर आपको पता है ये शुद्ध है तब तो लगा दीजिए, और नहीं तो वो क्या करेगी और उल्टा फंगस कर देगी, अगर उसमें बेसन आटा कुछ मिला होगा तो, इसलिए इनको खाली तो नहीं छोड़ना, अगर कोई फंगीसाइड है वो लगा दीजिए, और नहीं तो हल्दी लगा दीजिए, तो ये इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है हम कटिंग करके छोड़ देते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो थैली से पॉलिथीन से इसको ढक दीजिए जब तक ये सूखे ना, और जब ये सूख जाएगा ये उसका ऊपर से बंद हो जाएगा तो उसको फिर बाद में निकाल दीजिए, बस इतना काम करना है आपको। अगर आपके पास हल्दी शुद्ध और फंगीसाइड कोई पाउडर नहीं है तब ये करना है, पॉलिथीन से यहाँ पर ढक दीजिए, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा है, तो फूल भी बहुत खूबसूरत आएंगे और इन भी ब्रांचेज भी बहुत सारी आएंगी। तो ये देखिए मेरा तो ये मैंने कर दिया बहुत सारे पे मैंने देखो, और इस समय हम कटिंग भी लगा सकते हैं, देखो लास्ट सप्ताह चल रहा है सितंबर का, तो इसमें हम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं गुलाब की। और मैंने ये कटिंग जो लगाई है तो अपने प्लांट की लगाई है सबकी, इन्हीं से निकाल के, और ये भी सब, और इनको मैंने कटिंग लगा के सिंपल मिट्टी है, सिंपल मिट्टी में लगा के, और ऐसे ही मैंने इसको ढका भी नहीं है, पहले तो मैंने दिखाया था जो तो पॉलोथीन से ढक दिया था, लेकिन इसको मैंने नहीं ढका, तो ये बस मैंने छाया में रख दिया इसको, और इसमें नमी बना के रखना है, बस हमने ज़्यादा पानी नहीं भरना है, नमी बना के रखना है, तो ये इस तरह आपकी कटिंग भी तैयार हो जाएंगी आराम से, बड़े आराम से हो जाती है। ठीक है, तो ये सबके ऊपर जो है सूट निकल गए इनके, और अभी ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन मुश्किल से हुए। तो ये देखो ये प्लांट पूरा मैंने ऐसी प्रूमिंग की हुई इसकी, तो ये सारे जो है मेरे बहुत सारे हैं गुलाब के, मैं सारे तो नहीं दिखाने वाली क्योंकि सभी की मैंने लगभग कर दिया, थोड़े बहुत बचे हैं मेरे, तो यहाँ पे ये रखा है, तो ये एक फूल था, फूल का हमें बिल्कुल भी जो है लालच नहीं करना है, अब फूल वाली ब्रांच में ये निकाल देनी है इस टाइप से। अगर आपका छोटा कटिंग का प्लांट है अभी फिलहाल तो उस पर फूल आ रहे तो उसको रहने दीजिए, छोटा ज़्यादा है तो ये रहने दीजिए उसको, अगर आपका पहला पुराना है 1 साल पुराना या 2 साल पुराना या और भी पुराना तो उसकी पूरी प्रूमिंग कर दीजिए ढंग से, बड़ा प्लांट है तो ज़्यादा कर दीजिए, छोटा है तो उसी के हिसाब से कर दीजिए, बस इतना ही करना है काम है। और इसको धूप दिखानी है करके, और आपने प्लांट बढ़ाने हैं तो हमारे प्लांट तो अगर हमारे पास गुलाब का प्लांट है पहले से तो हम उसमें कटिंग और भी लगा सकते हैं, तो और भी प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ ये वाली इसमें ये कटिंग लगाई है काफ़ी सारी अलग अलग उसकी, तो ये देखिए अभी 4-5 दिन ही हुए हैं
तो ये देखिए इसमें नई नई सूट्स निकल के आ गए। तो अगर इस समय हम कटिंग लगाते हैं तो हमारी कटिंग भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसी साल विंटर में फूल भी दे देंगे। तो ये देखिए इस पर ये सूट्स निकल के नए नए आ गए हैं, इसमें दिख रहे हैं आपको, ये देखो दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, कैमरे में आपको भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया है ये गुड़ाई करके 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए और बाद में इन पर फर्टिलाइज़र करके इसको ऐसे बंद कर दीजिए। इन पर मैंने सभी पर कर रखा इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही, मैंने पहले भी दिखाया था आपको करके अभी दो हफ्ते पहले। तो बस ये करना, ये इस समय ये बहुत ज़रूरी काम है। अगर आपको फूल ज़्यादा चाहिए, ब्रांचेज ज़्यादा चाहिए, और ये अब हमें क्या करना, इसको धूप बहुत पसंद है गुलाब को, और विंटर की ख़ास तौर से विंटर की तो पूरा धूप इसे देनी है। तो इसमें तभी फूल इसमें ज़्यादा आते हैं, अगर हम इसको धूप कम देंगे तो फूल कम आएगा। ये वाले काम बहुत ही ज़रूरी है। और रोज़ पानी भी देना, मिट्टी चेक करके, जैसे ये देखो ये नमीदार है तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऊपर की सूख जाती है, पपड़ी बनती है, तो ज़रूर दें पानी इसे, अगर धूप में रखा तो ज़रूर पानी इसको ज़रूर दें। बस ये अगर इतने भी आप काम करें गुलाब पर तो आपके फूल ये हमेशा विंटर में बहुत सारे ये फूल देते रहेंगे और काफ़ी सारे ब्रांचें भी निकालेंगे। अब ये देखिए मेरे कुछ फूल अभी लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। एक ये है शेडेड वाला और इधर भी खिले हैं, ये देखिए। अब ये जितने हैं ये नई नई ब्रांचेज पे खिले हुए हैं, क्योंकि मैंने ये कटिंग कर दी थी पहले, ये देखो यहाँ से, तो ये ब्रांच नई आई हुई है यहाँ से, ये देखो कटिंग हो रखी है इसकी, तो ये नई ब्रांच आई है तो इस पर फूल खिल रहा है, ये देखिए। तो अगर आपके ऐसी नई ब्रांच पे फूल खिले हैं तो उसे रहने दीजिए, और पुरानी ब्रांचेज है उसको सभी को निकाल दीजिए, ये देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।